इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अध्ययन कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है, इसमें 4 पार्ट हैं। ए है आपका, पहले तो है रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में ए पार्ट है, -5/14 इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स और -84। फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए देखिए, पहले तो देखेंगे हम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास है, हर दोनों के उपलब्ध हैं, इसलिए इन दोनों हरों में रिलेशन पहले देखेंगे। क्या रिलेशन है? तो 14 और 84 में क्या रिलेशन है? 14 से अगर हम 84 को डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम्स होता है। इसका मतलब है अंश व हर में से 6 का मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगी। तो -5/14 (6)/6 -30/84 यानी फिल इन द ब्लैंक्स में 34 आ जाएगी, यानी आंसर 34। बी पार्ट में है 9/-12 9/-12 (= फिल इन द ब्लैंक 72/ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है? तो देखिए, आपकी बार दोनों न्यूमरेटर या दोनों के अंश मालूम है, तो इस अंश में दोनों का रिलेशन क्या है? अगर हम 9 से इसको डिवाइड करें 72 को 8 आता है, यानी इसका मतलब है 9 में 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो 72 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 9/-12 में से मल्टीप्लाई किया गया है 8/8 और = 72/-96। आंसर आपको क्या मिल गया? आंसर मिलेगा -96, हर बराबर -96, और इसमें था अंश बराबर -30 या अंश बराबर -30 इस प्रकार से। तो इसके ए और बी पार्ट मैंने बता दिए, सी और डी आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न परिमेय संख्याओं की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न परिमेय संख्याओं की तुलना कीजिए, संख्याओं की तुलना कीजिए। ए पार्ट है -3/4, -3/4, -2/3, इनका कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम नोट करेंगे। एलसीएम बराबर किसका किसका? 4 और 3 का LCM बराबर 4 × 12 होगा। इसका मतलब है दोनों के हर को 12 बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 4 से। -3/4 × 3 × 3 −2/3 × 4 × 4 तो ये हो जाएगा = 9/12 -9/12 −8/12
अब माइनस नाइन अपान ट्वेल्व पहली संख्या, माइनस थ्री अपान फोर का रूप है और माइनस टू अपान थ्री का है माइनस एट अपान ट्वेल्व। माइनस एट अपान ट्वेल्व ग्रेटर नंबर है क्योंकि संख्या रेखा पर माइनस आठ माइनस नौ के दाईं ओर आता है, इसलिए ये संख्या बड़ी है। तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, तो आंसर आपको मिल रहा है माइनस थ्री अपान फोर इज स्मॉलर देन माइनस टू अपान थ्री। अब इसका सी पार्ट देखते हैं, चलिए बी पार्ट देखें। ए और बी हम बता दें और सी और डी आप स्वयं करेंगे। बी पार्ट, बी पार्ट में है माइनस थ्री अपान फाइव, माइनस थ्री अपान फाइव कमा सिक्स अपान माइनस सेवन, सिक्स अपान माइनस सेवन। अब हमें पांच और सात का एलसीएम लेना होगा, तो इस साइन को पहले तो ऊपर यानी न्यूमरेटर में भेजना होगा भैया। अब हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस थ्री अपान फाइव कामा माइनस सिक्स अपान सेवन। सात और पांच का एलसीएम सेवन और फाइव का एलसीएम बराबर सात गुना पांच, सात गुना पांच बराबर पैंतीस। तो माइनस थ्री अपान फाइव, फाइव की जगह पैंतीस करने के लिए हमें क्या करना होगा, पांच के साथ सात का गुणा करना होगा, तो इंटू सेवन इंटू सेवन कामा लगा दें माइनस सिक्स अपान सेवन। इस सेवन की जगह थर्टी फाइव करने के लिए हमें फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा, फाइव इंटू फाइव इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस ट्वेंटी वन अपान पाँच सत्ते पैंतीस कामा माइनस तीस अपान पैंतीस, माइनस इक्कीस बटे पैंतीस और माइनस तीस बटे पैंतीस। अब अगर अंश को हम देखें दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो माइनस इक्कीस माइनस तीस के दाईं ओर आता है, इसका मतलब है ये संख्या छोटी है, तो बड़ी है ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, इसकी व्युत्क्रम सी है माइनस थ्री अपान फाइव। माइनस थ्री अपान फाइव इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स अपान सेवन, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इनका कंपैरिजन या तुलना कर सकते हैं, इसके सी और डी पार्ट आपको स्वयं करने होंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में है क्वेश्चन नंबर नाइन, जांचिए कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं। निम्न में कौन सी संख्याएं समतुल्य हैं। ए पार्ट है, इसमें भी फोर पार्ट होंगे, तो इसका भी हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट बता दें या फर्स्ट और थर्ड बता दें। तो ए पार्ट है, ए पार्ट में है माइनस ट्वेल्व अपान फिफ्टीन, माइनस ट्वेल्व अपान फिफ्टीन कामा थर्टी सिक्स अपान सिक्सटी, थर्टी सिक्स अपान सिक्सटी। इन दोनों अंशवाहक को रिड्यूस करना है, यानी किसी एक संख्या से अंशवाहक दोनों में भाग जा रहा होगा, तो थ्री से इसमें भी जा रहा है क्योंकि थ्री की टेबल में दोनों आते हैं, तो हम लिखेंगे माइनस ट्वेल्व अपान फिफ्टीन, थ्री फाइव जा और थ्री फोर जा इज इक्वल्स टू माइनस फोर अपान फाइव। इस
का स्टैंडर्ड फॉर या मानक रूप माइनस चार बटे पाँच है कामा। अब इसी प्रकार से इसका भी मानक रूप देखें तो पहले तो ये छः से तो कटी नहीं है, तो 36/60 सिक्स से कैंसिल कर दें तो सिक्स या 36 और 6 10 जा तो =6/10। अभी भी ये दो से आगे में चला जाता है तो 2 3 6 और 2 5 10 3/5 या बराबर -4/5 कामा 3/5 समान नहीं है या समतुल्य नहीं है। ये दोनों पता चल गया कि ये दोनों बराबर बराबर नहीं है तो इसलिए ये समतुल्य नहीं है। इसका अगला पार्ट देखते हैं -9/11 बी पार्ट -9/11 कामा 81 कामा माइनस नीचे लगा तो माइनस यहाँ भी लग जाएगा माइनस यहाँ भी रहेगा ऐसे हाँ 81/-99 अब इनको भी रिड्यूस करके या स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप में पहले लिखेंगे तो इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए ये तो -9/11 ही रहेगा कामा। इसमें 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 जा 81 और 9 बन जा 9 तो 9/-11। अब इस साइन को माइनस के चिन्ह को न्यूमरेटर में लगाएं -9/11 -9/11 दोनों भिन्नों के मान स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप में लिखने पर समान है अतः ये समतुल्य हैं। अतः समतुल्य है। समतुल्य का मतलब है इनकी वैल्यू यानी क्वांटिटेटिव वैल्यू सेम होनी चाहिए तो दोनों का परिमाण सेम है इसलिए ये दोनों समतुल्य हैं। इसके सी और डी पार्ट आप स्वयं करेंगे। फिर इसका 10 पार्ट है। 10 पार्ट में लिखा है निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। 10 निम्न संख्याओं को आरोही क्रम एसेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा लिखते हैं से। तो इसी प्रकार से पहला पार्ट है ए पार्ट में है 2/3 कामा -3/5 कामा 1/6 कामा -8/15 तो हमें सबसे पहले इन सभी संख्याओं के हरों को समान करना है। हरों को समान करने के लिए पहले हमको एलसीएम चाहिए तो 3, 5, 6 और 15 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 15 × 30 एलसीएम होगा 30 या 3, 5, 8, 6 और 15 का एलसीएम ले सकते हैं। अब इसका मतलब है हर सभी हरों को 30 के बराबर करना है तो 2/3 इसमें 3 की जगह पे 30 लाने के लिए इसका मतलब है हमको इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा फिर कमा -3/5 5 की जगह पे 30 लाने के लिए हमको 6 से गुणा करना होगा
सिक्स हो गया, फिर कामा वन अपान सिक्स, इस सिक्स की जगह थर्टी लाने के लिए हमको फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा, कामा माइनस एट अपान फिफ्टीन, फिफ्टीन की जगह थर्टी लाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होगा इक्वल ट्वेंटी अपान थर्टी, कामा माइनस एट्टी अपान थर्टी, कामा फाइव अपान थर्टी, कामा माइनस सिक्सटीन अपान थर्टी। अब चूंकि हर समान हो गए तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, तो इसमें माइनस एट्टीन सबसे छोटा है, इसलिए माइनस एटीन कौन सी संख्या है, माइनस थ्री अपान फाइव, तो माइनस थ्री अपान फाइव सबसे छोटी संख्या है, इस तरीके से साइन नोट करेंगे। इसके बाद है माइनस सिक्सटीन, और माइनस सिक्सटीन किसका है, माइनस एट अपान फिफ्टीन, और फिर से स्मॉलर में इनका चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद दो बची है, इसका अंश पाँच है और इसका बीस है, तो इसका मतलब ये छोटी है, तो पाँच बटे वो, ये भिन्न है एक बटे छः, तो एक बटे छः लिख देंगे, और छोटी है एक बटे छः किससे, ये लास्ट में आ गई दो बटे तीन, तो ये आरोही क्रम हो गया है, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखना आ गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।